हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। एंड राइट नाउ आई एम इन दिलवालों की दिल्ली, और हमारे साथ हमारे प्यारे पांडे जी भी हैं। और आज का जो एजुकेशनल ब्लॉग होने वाला है वो हम बना रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्पेशली फैकल्टी ऑफ लॉ। और भी देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो दूसरे कैंपस भी जाएंगे, पर राइट नाउ पांडे जी अपनी पढ़ाई यहाँ से कर रहे हैं। और आपने हमारे कोर्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया था कि पांडे जी अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम पांडे जी का कैंपस घूमेंगे, पांडे जी की अचीवमेंट्स देखेंगे, पांडे जी ने यहाँ कॉलेज में क्या क्या किया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं स्टार्ट करते हैं। पांडे जी चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरा कैंपस घुमाते हैं आज, फैकल्टी ऑफ लॉ घुमाते हैं, और आपको बेसिक चीज़ें भी बताएंगे कि आपको यहाँ एडमिशन लेने में क्या प्रोसीजर वगैरह भी पांडे जी बता देंगे, सेंटर में क्या डिफरेंस है, क्या इसका आउटकम क्या रहता है, क्या प्लेसमेंट है, एवरीथिंग। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अभी हमने बताया था, अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ के दो सेंटरों के पास, LC1 और LC2। LC2 मेरा है, LC2 की ये बिल्डिंग है जिसको हम उमंग भवन कहते हैं, काफ़ी बड़ी है। और जैसा कि विशाल काय रूप में आपको दिख रही होगी, बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी मॉर्निंग की क्लासेस चल रही, हम दोनों फाइनल ईयर में हैं और ये मेरे वन ऑफ द घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं। तो 30 जारी में क्या काम है? मैं तो ज्यादा आज मेरा इंटर्नशिप का दूसरा दिन है, और इंटर्नशिप यहाँ से 30 हज़ारी बहुत सामने पड़ता है, मात्र 3 किलोमीटर में 30 हज़ारी आप पहुँच सकते हो। कॉलेज भी सामने, इसीलिए 30 हज़ारी हम लोग के लिए सबसे सुइटेबल कोर्ट होता है। अच्छा, तो यहाँ जो DU के विद्यार्थी हैं लॉ वाले, उनके लिए 30 हज़ारी बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट प्लेस है प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी बहुत जितने भी दिल्ली में जितने भी कोर्ट्स हैं सब में अच्छी मान्यता, मतलब हमारे अच्छा नाम है, मतलब इस कॉलेज का नाम बोलने पे ही वहाँ के जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, और जैसे कि आप जानते हो कि मिस्टर चंद्रचूड़ जो अभी CGI बने, जी वो भी इसी कॉलेज से ही, विधि संकाय से पढ़े, विधि संकाय CGI ऑफ इंडिया। तो आप कहाँ से हैं, मतलब आप दिल्ली से ही हैं कि बाहर से? मैं झारखंड से। अच्छा, आप झारखंड से? चायबासा से हैं। अच्छा, चायबासा से हैं, ठीक है। और ये झारखंड से और यहाँ पढ़ने आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि विधि के क्षेत्र में एकदम परचम लहराएंगे। चलिए, मैं तो आप देखें 30 जारी फिर मिला जाएगा। तो ये उमंग भवन का जो फैकल्टी की बिल्डिंग है, ये कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ अंबेडकर जी की यहाँ पे प्रतिमा है, क्योंकि विधि का गठन, संविधान का गठन उन्होंने किया था। तो इस जगह से हम हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सफाई रहती है यहाँ पे। और जब भी कभी क्लासेस होती हैं तो यहाँ पे अलग डिस्कशन और अलग टाइप होता है, मतलब हर किसी का मिलने का ये कॉमन पॉइंट है। ये अभी आप भगत सिंह जी का ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये पांडे जी की मेहनत है। पांडे जी ने बहुत ही संघर्ष करके और ये तस्वीर भगत सिंह की यहाँ पे लगवाई है, जो कि प्राउड है कि पांडे जी क्या संघर्ष किया था इसको लगवाने के लिए। ये हमारे दो दोस्त और थे, एक रोहित नाम है, रोहित कालिया और अमन कुमार। तो हम तीनों ने प्लान किया कि विधि संकाय में, उसमें भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह की जयंती थी और विधि संकाय में भगत सिंह की प्रतिमा नहीं थी, तो हमें लगा कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा होनी चाहिए विधि संकाय में, ताकि विधि संकाय के बच्चों को जो उन्होंने क्या कहते हैं शहीद का रूप किया, तो प्रेरित करती रहे, और प्रेरणा जो है वो बच्चों को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो समाज में लड़े और एक तरीके जो समाज की दिक्कतें हैं वो उसको सॉल्यूट करें। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, इसके तहत कम से कम 100 से 150 बच्चों ने अपने हाथों से सभी जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके विरुद्ध होके ये शहीद आजम जी की आदिकाल तक ये प्रतिमा इस्टेब्लिश कर पाई। पांडे जी, अपन ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी भगत सिंह जी का वो कमरा देखा था, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने रह के और देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था। बिल्कुल, चलती है ऐसे क्लासरूम और ऐसे क्लासरूम, तो मतलब बेसिकली सारी क्लासरूम का मॉडल सेम ही होगा। सेम है, इधर भी देखो क्लासरूम, इधर भी इस तरीके से 3 फ्लोर है। हाँ, 3 फ्लोर, तो हम सबसे ऊपर चलेंगे, क्योंकि ऊपर का क्या है, हमेशा टॉप फ्लोर में क्लास का जो सुंदर रूप होता है वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो आइए आपको ले चलते हैं वहाँ। भीड़ भाड़ कम दिख रही है कि आज इतनी ही रहती है? नहीं, आज भीड़ भाड़ कम है, क्योंकि दरअसल देखिए कि 12 बज चुके हैं। हाँ। और 12 बजे LC2 की मोस्टली क्लास खत्म हो जाती है। हाँ। तो जो विद्यार्थी है, पांडे जी हमारे लोगों को बता दीजिए LC और LC का मतलब क्या है, लोग फिर कंफ्यूज जाते हैं, LC1 LC2 CLC। देखो यहाँ पे 3 सेंटर है, ठीक है, LC1 LC2 CLC। तो LC2 जो है इसकी टाइमिंग 8 से 2 है, और 2 से 7
LC1 की टाइमिंग है और CLC की टाइमिंग 8 से 3 समवेयर ऐसी है। ठीक, LC1, तो ये तीन सेंटर LC1, LC2, CLC का फुल फॉर्म बता दीजिए पंडित। ठीक है, वही Law Center 1, Law Center 2, Campus Law Center। तो ये एक तरीके से वैसे ऑलमोस्ट तीनों सेंटर जो हैं वो सेम है और ज़्यादा फर्क कुछ ही में नहीं है, पर ये माना जाता है कि CLC थोड़ा बेटर सेंटर है। हाँ। बेटर सेंटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सोसाइटीज अच्छे से फंक्शन करती हैं, टाइम ज़्यादा मिल जाता है बच्चों को एक दूसरे से बात करने का, जैसे 8 से 3-4 क्लास रहती हैं, वहाँ का थोड़ा माहौल अलग हो जाता है। क्लास चल रही है सर। हाँ, और LC1 और LC2 में बेसिकली जुडिशरी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा नॉन सीरियस थोड़ा बच्चे हैं, पर सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई दीक्षा शिक्षा सब सेम होती है। तो ये देखो एक क्लासरूम है, एक नॉर्मल क्लासरूम है, मोस्टली इसी मॉडल के क्लासरूम सारी जगह पे हैं, कम से कम 8 से 9 ऐसी क्लास है और इसी मॉडल पे स्टेयर बेसिस में। और देखो वो वाला फील आ रहा है जैसे नहीं होता थिएटर्स में, थिएटर्स वाला क्लासरूम है और इधर से टीचर पढ़ाता है और बच्चे का अच्छा खासा पीरियड रहता है, कितने 80-90 का। स्ट्रेंथ पांडे जी, मतलब पूरे कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या होगी? पूरी कॉलेज हर साल यहाँ पे एडमिशन होता है करीब करीब समवेयर 2500 समथिंग। 2500 और व्हाट इज द बेसिस ऑफ एडमिशन पांडे जी, कैसे एक क्या? इसका बेसिस है एंट्रेंस होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है और साल में एक बार होता है। अच्छा। जिसके कारण तीनों सेंटर में एडमिशन होता है। तीनों सेंटर में बेसिकली जो CLC में थोड़ा नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ एडमिशन पहले होता है और LC1 LC2 में थोड़ा सा, LC2 में फिर उससे कम नंबर और फिर LC1 में उससे कम नंबर। अच्छा। लेकिन अमूमन जैसे मेरे नंबर अच्छे खास हैं, 270 नंबर थे मेरे को CLC में, मतलब वन ऑफ द टॉपेस्ट था मेरा, मेरे को मिल जाता। हाँ। लेकिन मैंने नहीं चूज किया क्योंकि मुझे 3 बजे तक नहीं बैठना था। ओके। ठीक है, 3-4 बजे तक मेरे जल्दी क्लास खत्म करके और चीज़ों को करना था। हाँ। तो बहुत से लोग LC1 चुनते हैं क्योंकि उनका शाम का टाइम सुटेबल होता है, बहुत से वर्किंग लोग होते हैं जिनको शाम को LLB कर सकते हैं, बहुत से लोग मॉर्निंग चुनते हैं जो विद्यार्थी। अच्छा, मतलब जॉब प्रोफेशन वाले भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अरे 60-70 साल के लोग हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड मैनेजमेंट पोजीशन से लोग हैं। तो डीयू सेंटर में मूड कोर्ट हॉल है, मूड मेमोरियल होता है 5th सेमेस्टर में। हाँ। तो और मूड कोर्ट सोसाइटी भी है। हाँ। उसके तहत आप सीख सकते हैं कैसा क्या कोर्ट में फंक्शन करता है। अमूमन क्या होता है कि मूड का मॉडल तो छोटा है पर आपको सिखा सकता है कि कैसे कोर्ट में प्रक्रिया रहती है, कैसे बोलना है, कैसे है। तो ये मूड कोर्ट हॉल है और यहाँ पे बाकी इवेंट और प्रोग्राम्स भी होते हैं जो इस उमंग भवन बिल्डिंग के होते हैं। ये बंद है इस समय तो मैं दिखा नहीं सकता। सर बेसिकली मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा है तो उसी तरह का मॉडल है यहाँ पे, देखिए ना। हाँ। यहाँ पे जज साहब बैठते हैं। हाँ। और यहाँ पे और अमूमन प्रोग्राम होते हैं तो ऊपर डिग्नेटरीज बैठते हैं, नीचे बच्चे बैठ जाते हैं तो प्रोग्राम कंडक्ट हो जाता है। वैसे इतना एक्टिव नहीं है यहाँ पे ऑनेस्ट रूप से बोलूँ तो, पर फिर भी काफी एक्टिव काम चला हुआ है, काम चला हुआ, बच्चे सीख जाते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज है, सरकारी में चीजें सरकारी की तरह ही होती है, चाहे कितना भी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना भी पैसा लगा दिया जाए, कुछ भी लगा दिया जाए, सरकारी सरकारी, पर सरकारी का पढ़ने का अपना मजा है। तो जैसा कि देखिए कि सरकारी विश्वविद्यालयों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, पर हम देख सकते हैं यहाँ पे विधि संकाय में यहाँ पर लिफ्ट भी है। तो अभी सर हम लिफ्ट में जाएंगे, आप शायद अपने कॉलेज में नहीं ट्रेवल किए होंगे। सर हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज खड़ा ही था, बहुत बड़ी बात है, सरकारी ही था। अभी हम टॉप मोस्ट पोजिशन में चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ से कैसा दिल्ली विश्वविद्यालय दिखता है, वहाँ से कैसे ये विधि संकाय दिखता है। ठीक है, तो फिलहाल लिफ्ट में है, 3rd फ्लोर पहुँचने वाले हैं। ये 3rd फ्लोर है और यहाँ से हम व्यू दिखाएंगे पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की बाकी जगह। तो यहाँ से देखिए कि वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी दिख रही है हमें, कला संकाय दिख रही है, आर्ट्स फैकल्टी, उधर कैंपस लॉ सेंटर दिख रहा है। अमूमन बरसात के मौसम में यहाँ बहुत सुंदर लगता है, ये कैंपस बहुत प्यारा है, हरा भरा है और हमें मोर भी दिखते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आदमी बैठ जाता है, कुछ गुफ्तगू, कुछ चर्चाएं करता है समाज के बहुत सारे टॉपिकों में जो समाज में चलते रहते हैं। तो बड़ी प्यारी जगह। इधर देखिए, इधर दिखाइए कि ये पार्किंग लॉट है और यहाँ पे बच्चे सब, ये सब नाम के बच्चे हैं पर सब कार से आते हैं। बहुत से लोग वर्किंग भी हैं, सब BMW मर्सिडीज से बहुत सारे आते हैं। तो यही है कि LLB का ये आलम है। चलिए, तो अभी हम 3rd फ्लोर पर हैं। अब 3rd फ्लोर के लेफ्ट में क्लासेस चलती हैं और ऐसे क्लासरूम सारे सेम ऐसे ही, और टू माय राइट सारे ऐसे चलती हैं। इधर टीचर्स के रूम है और स्टाफ रूम वगैरह, मोस्टली यही।
सच्चे रूप से बताऊंगा यहाँ पे बहुत डेफिशिएंसी है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हाँ। तो यहाँ पे मेनली जो फैकल्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स से बहुत लैक करता है, लेकिन आप पीछे एक मैदान वगैरह है तो बच्चे यहाँ पे खुद के बेसिस में यहाँ पे क्रिकेट खेल लेते हैं। हाँ। और वॉलीबॉल भी है वो भी खेल लेते हैं, और खासकर जब विधि का बच्चा है तो उसके लाइफ में बहुत बिजी होता है वो। हाँ। तो वो उसका कोर्ट्स और क्लासरूम उसका वो बन जाता है, और बाकी उसका बाकी इस बीच में उसको समय कम मिलता है, लेकिन समय निकालना चाहिए। हाँ। सुबह एक्सरसाइज करें या कुछ खेलें, पर कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। हाँ। तो खुद ही से यहाँ पे खेलते हैं, ये रोड है तो यहाँ पे खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब अपना देसी जुगाड़ करके। हाँ, देसी जुगाड़ करके, यानी गांव वगैरह में जुगाड़ कर लेते हैं। उसी तरीके से सारे मेरे मित्र बंधु हैं, फाइनल ईयर वाले हैं। हाँ। तो ये जुगाड़ कर लिए यहाँ पे। ये देखो, ये हल्का पत्थर वत्थर है यहाँ बैठने का, जब क्लास में बच्चा परेशान हो जाता है या फिर मतलब वैसे टाइम निकालना है तो यहाँ पे बढ़िया चर्चाएं करते हैं और आके बैठ जाते हैं। तो पांडे जी, ये बताइए, जो बच्चे बाहर से आते हैं बिहार झारखंड, जैसे अपने वो क्या नाम है उनका, अब नाम भूल गया भैया, कुलदीप भाई मिले थे, जैसे वो झारखंड से आए थे यहाँ पढ़ने, तो अब उनको रहने के लिए खाने पीने के लिए सुविधा चाहिए, तो क्या है यहाँ हॉस्टल वगैरह का? यहाँ का सर मैं बताऊंगा कि यहाँ का हॉस्टल जो सुविधा है बहुत रेयरेस्ट और रेयर बच्चों को मिलता है। करीब करीब मतलब यदि सीट के अनुसार देखें 1% बच्चों को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं वो भी नहीं मिलता। तो हॉस्टल की बहुत किल्लत है यहाँ पे, तो आसपास बच्चे रह सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, पर यदि व्यक्ति के अंदर जुझारू रूप से वो है लॉ करने का वो है, तो अपना वो पैसे के अनुसार वो अपना रहना खाना ढूंढ लेता है और वो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर सकता है। पर समस्या है, प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, जो बाहर से आ रहा है बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, हाँ, कहीं से भी, केरला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर, तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर ये है कि इतनी भीड़ भाड़ है तो आसानी से मिल जाता होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मिल जाता है पर कॉस्टली है। यदि आपको अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप रह नहीं पाएंगे। यदि आप चाहें तो आसपास पे इधर पे यहाँ पे मॉरिश नगर है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, या विजयनगर है पास में, इधर क्या तो कमला नगर है, तो आप हजरत पांडे जी एक चीज़ बताइए, ये जो NLIU वगैरह हैं, जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, इनमें और ये आपके DU के जो लॉ फैकल्टी, उसमें क्या डिफरेंस है पांडे जी? तो डिफरेंस ये है कि वो 5-year LLB है, जैसे BLLB, और ये 3-year LLB है। हाँ। पहले जो हिस्टोरिक रूप से LLB 3-year का ही होता था, लेकिन समय अनुसार उसको अमेंड करके BA को और LLB को मिक्स करके 5-year कर दिया गया। हाँ। तो आलम ये है कि देश में बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ खुली, और तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ ज़्यादा एडमिशन होने लगा, तो कॉरपोरेट रूप से वो NLU बहुत मजबूत है, जहाँ पे कॉरपोरेट रूप से प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन ये बता दूँ कि यहाँ पे जो केस लॉ मेथड से पढ़ाई होती है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी ऐसी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ जहाँ ऐसी पढ़ाई होती है, तो और दो चीज़ देखें, तो जुडिशरी और लिटिगेशन रूप से जो DU LLB है वो बेस्ट है, लेकिन जैसे जिसको LLB 12वीं के बाद ही करना है तो उसके लिए NLU बेस्ट है। और ये भी कहूँगा कि यदि आप लोग एडमिशन यदि 12वीं के बाद लेना चाहें तो NLU's में जाएं, और यदि आप फिर भी रह गए तो आप जरूर DU LLB में आएं। और NLU भवन की बिल्डिंग चाहे LC1 और LC2 की बिल्डिंग वाला एरिया जो है, तो अभी हम जा रहे हैं CLC। हाँ। जब हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो एक गेट वो रहा जो ये आर्ट्स फैकल्टी और सेंट्रल लाइब्रेरी के बीच में है। हाँ। और एक गेट ये। हाँ। और यहाँ पे हमारे जो पुरुष है स्वामी विवेकानंद जी है, उनकी प्रतिमा लगाई है, जो हमें और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रेरित करती है। यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन यदि होता है, कोई भी स्मॉल मीट, कोई भी ज्वाइंट मीट, कुछ भी होता है वो यहीं पे होता है, और यहीं पे चर्चाएं भी की जाती हैं। यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है जो 24/7 ओपन है, और ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो बहुत हिस्टोरिक है, जो उस समय 1932 से चली आ रही है। तो अभी हम चलेंगे CLC और वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसा। तो ये जैसे वे था विवेकानंद स्टैचू के बाद वाला ये वाला रीजन, अभी छोटी मोटी कैंटीन है यहाँ पे जो सुविधा है बच्चों को प्रिंट लंच वगैरह करने के लिए, और थोड़ी बहुत किताब कॉपी की। हाँ। ये भी चला जाता है आगे CLC की तरफ। हाँ। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ के जो सबसे प्रीमियम, देश के प्रीमियम कैंपस लॉ सेंटर में, जहाँ से अभी जस्ट अभी धनंजय चंद्रचूड साहब CCI के पद पे कार्यरत हुए हैं, और यहाँ से खैर वो तो तीनों सेंटर से देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट जुडिशरी के क्षेत्र में परचम लहराए हैं, वो इसी सेंटर से निकले हुए हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर दिखाएंगे, इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, क्लासरूम, यहाँ पे सारी किताबें मिल जाती हैं। यहाँ का बच्चा हमेशा ज़्यादातर केस बैट से पढ़ता है, और दूसरा जब उसको पास होना रहता है तो दुक्की से पढ़ता है, तो दुक्की दिनकर भैया देते हैं हमारे दुक्की। हाँ, और ये बहुत पुराना पीपल का पेड़, हमारे इंजीनियरिंग में पांडे शिवानी बोलते हैं, शिवानी। तो ये LC1 का ऑफिस है, पुरानी क्लासरूम यहाँ चलती थी LC1 की, और LC1 अब शिफ्ट हो गया है उमंग भवन में, ऑफिस यहाँ भी है, कुछ क्लासरूम यहाँ भी लगती है CLC के साथ, तो मिक्स में 2 बजे के बाद। और ये सब बैठने का एरिया, यहाँ जहाँ चाय और कैंटीन में कुछ खा पी सकते हैं। तो कैंपस लॉ सेंटर है,
तो ये इसकी बिल्डिंग भी पुरानी है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है। तो ये देखिए पीछे एक लीगल एड सोसाइटी का यहाँ पे एक क्लासरूम है और बाकी इधर क्लासेस चलती है। तो मैं आपको दिखाएंगे कि चलते हैं यहाँ पे आपको क्लासरूम में, CLC की क्लासरूम में। तो ये क्लासरूम नंबर 16 है। अमूमन यहाँ पे ये मोस्टली क्लासरूम पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, तो सभी क्लासरूम का मॉडल ऑलमोस्ट सेम है और बेंचेस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो देख सकते हैं आप सब कि कैसे। तो अभी हम लोग आपको मेन लाइब्रेरी दिखाते हैं। एक्चुअली लाइब्रेरी में आप लोग जानते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो हम बस आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देंगे। लाइब्रेरी बहुत प्यारी है DU की एक्चुअली, ठीक है। तो लॉ फैकल्टी की है ना, और किताबें तो भरमार हैं। कि कब कब की सुप्रीम कोर्ट केसेस, स्टैंडर्ड लॉ रिव्यू, बहुत सारी पुरानी किताबें। किशोर ऑडिटोरियम, डॉक्टर कांगीशोर ऑडिटोरियम, हाँ ये CLC का ऑडिटोरियम है। क्लास वगैरह चल रही है, वहाँ का भी उमंग भवन में भी एक ऑडिटोरियम है, मूड कोर्ट हॉल भी कहते हैं। सारे प्रोग्राम वगैरह जो भी सेमिनार इवेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक सेमिनार हॉल भी है और वहाँ पे मूड कोर्ट हॉल में होते हैं। पांडे जी ये बताइए कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है? फीस तो कहते हैं कि देश में जब NLU's की फीस सीधे दोहरा सेंचुरी मार रही है, 2.5 लाख रुपए ईयर है, और हर जगह जो देश में लॉ करने में बहुत बड़ी ज़्यादा फीस है, पर यहाँ की आप सुनेंगे तो चकाचौंध रह जाएंगे। यहाँ की फीस आज भी 3600 रुपए है साल की। तो जब देश का पंडित जी आप साल भर का 3600 पे कर रहे हैं, मतलब तीन साल में मुझे लगता है 13,000 में हमारी यहाँ से लॉ कंप्लीट हो जाएगी। और मैं सौभाग्य से कह सकता हूँ कि यदि आज ये इतनी कम फीस नहीं होती तो मुझ जैसा गरीब बच्चा या फिर जो देश के डिफरेंट जगह से आते हैं जो शायद लॉ को एज अपना करियर बना पाते, तो वो आज शायद लॉ का सपना नहीं देख पाते। बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा को सबसे सस्ता होना चाहिए, और ताकि वो जो गाँव गरीब का बच्चा है वो इसे हासिल कर पाए, वो तभी कर सकता है जब शिक्षा उसके चंद पैसों में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम गए थे तो वहाँ का जो पॉलिटिक्स था है ना, उसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ का क्या है, DU का क्या है, स्पेशली दिल्ली विश्वविद्यालय में तो चुनाव ना होता है, यहाँ का DUSU है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, पर यहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ का क्या है सिस्टम? तो जिस तरीके से DUSU होता है उसी के तहत हर यहाँ पे सेंटर का चुनाव होता है, जिसमें 4-5 सीटें होती हैं जिसमें चुनाव होता है, और बहुत लार्ज स्केल तक भी चुनाव होता है क्योंकि ये लॉ सेंटर है। लॉ सेंटर है तो लॉ के विद्यार्थी हमेशा पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ का चुनाव बाकी हर कॉलेज और हर उससे अलग होता है। तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है लॉ सेंटर, ठीक है, जितने भी सेंटर बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, प्रोटेस्ट में जब भी कुछ इनसे कोई गलत नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि यहाँ पे विधि संकाय के बच्चों को कोई नॉर्मल छेड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं यदि कुछ होगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा। मैंने सुना है कैंपस में पुलिस भी जल्दी नहीं आती है। देखे होंगे आप, एक दो वीडियो देखिए कैसे बच्चे पुलिस को भगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, आप देखे होंगे कितना लार्ज अमाउंट ऑफ, तो पुलिस भी यहाँ पिट गई थी। पांडे जी जिसके पास कानून का ज्ञान है वो कुछ भी कर सकता है, इट्स अ फैक्ट। हाँ फैक्ट। और ये कैंपस थोड़ा इसलिए भी थोड़ा अलग है क्योंकि एक तरीके से डाइवर्सिफाइड यहाँ पे लाइफ है जो पूरा सेंटर की तरह हमें मिलती है। तो गाइस जैसा कि अब हम ये वीडियो को सम अप करेंगे, और तीनों सेंटर को हमने आपको दिखाया, LC1, LC2, CLC, सभी चीज़ सभी बैकग्राउंड कवर करने की कोशिश करी, जितने डाउट्स होंगे आपके वो सब कवर करने की कोशिश करी, क्या डिफरेंस है क्या कैसे है। तो गाइस चैलेंजेस ज़रूर हैं यहाँ पढ़ने के और हर देश के कॉलेज में पढ़ने के, पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पढ़ने का आनंद अलग है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी होगी। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर हर्ष है, तो आप यहाँ पे रह भी पाएंगे, रहने में चैलेंजेस होंगे पर आप रह लेंगे और अच्छे से पढ़ लिख के यहाँ पे देश के विधि के क्षेत्र में आप अच्छा सर्व कर पाएंगे। और आपको यदि कोई डाउट होगा लॉ से रिलेटेड एडमिशन और किसी भी प्रोसीजर से, तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल डाल दूंगा वहाँ पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसी तरीके से और मैं आपको ज़रूर उसका मार्गदर्शन दूंगा। चलिए इस ब्लॉग में ख़त्म करते हैं। और एक्चुअली पांडे जी बहुत मज़ा आया आपका ये कैंपस घूम के। एक्चुअली बच्चों को ऐसे संस्थानों में एडमिशन मिलना चाहिए जो बेचारे गाँव घर के हैं, तो यहाँ आएँ और देखें और पढ़ें और नॉलेज लें। यार असली अब देश हमारा गांव में ही बसता है। बिल्कुल एक्चुअली गांव विधि का, गांव के बच्चे ज़्यादा हैं। और ये ना सोचें कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पूंजीवाद क्षेत्र है बाकी है, आप आइए यहाँ पढ़ाई कीजिए और अपना परचम लहराइए। यदि आपके अंदर एक जज्बा है तो आप सबको साइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ाई करिए और यहाँ पे सीखिए, क्योंकि
शिक्षा सिर्फ किताबों में लिमिटेड नहीं है, वो कैंपस में निर्भर होती है, वहाँ के लोगों से हो सकती है। आप जितना लोगों से सीख सकते हैं, इवेंट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी और चीज़ों से, कोर्ट और हर चीज़ से, तो ज़रूर आइए पढ़े कीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को ही समअप करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, हमने कैंपस भी घूमा। तो इस ब्लॉग को ही समअप करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।